निशान चाहर, वेलकम बैक टू आलको प्रेप। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं इस क्वेश्चन इस कारण में फाइंड ऑल एनाग्राम्स इन अ स्ट्रिंग। अब इसमें क्या गिवन है यार, हमें दो स्ट्रिंग्स गिवन है, एक स्ट्रिंग का नाम है एस, एक का नाम है पी। तो हमें फाइंड करना है पी के कितने एनाग्राम्स एस में अवेलेबल है। अब एनाग्राम क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है सी बी ए ई बी ए डी बी ए सी डी, ठीक है, बी दे रखा है ए बी सी। एनाग्राम का मतलब है कि ये सेम फ्रीक्वेंसी हमें इस फ्रीक्वेंसी के सेम डिजिट्स मतलब सेम कैरेक्टर्स होने चाहिए सेम लेंथ में। जैसे सी बी ए इज़ ए एनाग्राम, ठीक है, बी ए बी इज़ नॉट एंड बी सी ए इज़ एन एनाग्राम, ठीक है। तो ये बेसिकली दो एनाग्राम्स हैं। अब इसमें एक एक तो चीज़ यही हो जाएगी कि हर पॉइंट पे जाएंगे, सॉर्ट करते रहेंगे, सॉर्ट करके चेक करते रहेंगे कि क्या ये जो तीन कैरेक्टर्स अभी तीन तीन की लाइक लेंथ लेते रहेंगे, बेसिकली तीन लेंथ को सॉर्ट करेंगे, सॉर्ट करके चेक करेंगे कि इस लेंथ के इक्वल इस कैरेक्टर के इक्वल है कि नहीं, दोनों को सॉर्ट करके रख लेंगे बेसिकली। एंड ऐसे करते करते सारे चेक कर लेंगे, जो भी अगर हमें मिलता है एनाग्राम है वो हम ऐड कर देंगे आंसर में उसका स्टार्टिंग इंडेक्स, नहीं है तो नहीं करेंगे। एक तो सॉल्यूशन ये आया मेरे दिमाग में, ठीक है, मतलब क्या कह रहा हूँ मैं फिर से बताता हूँ। पहले पी को सॉर्ट कर दिया, पी को सॉर्ट कर दिया तो ये तो पहले ही सॉर्टेड है तो ए बी सी आ गया। फिर हम क्या करेंगे, हम स्लाइडिंग विंडो लेंगे सी बी ए ई बी ए बी ए सी डी। हमने बोला मैंने यहाँ से यहाँ तक तीन कैरेक्टर्स आ गए, स्लाइडिंग विंडो बन गई हमारी है। मैंने बोला इसको सॉर्ट कर दो, इसको एक नए वेरिएबल में स्टोर करो सी बी ए को, इसको सॉर्ट कर दो तो ए बी सी आ गया। आ गया ए बी सी और इसको और पी को कंपेयर करा, हो गया तो हमने आंसर ऐड कर दिया ज़ीरो, ठीक है। नेक्स्ट हम गए फिर यहाँ पे, यहाँ से यहाँ पे ये क्या हुआ ए बी ई, नहीं होगा। फिर यहाँ के बाद फिर हम गए यहाँ पे, यहाँ के बाद गए हम यहाँ पे, ये ए ई बी ये भी नहीं होगा। फिर यहाँ से यहाँ आए ई बी ए भी नहीं होगा। फिर यहाँ से आए बी ए बी ये भी नहीं होगा। फिर यहाँ से यहाँ आए बी ए बी ए नहीं होगा। फिर यहाँ से आए बी ए सी, बी ए सी को सॉर्ट किया तो सी ए बी सी आ गया, फिर से आ गया एनाग्राम। तो एक तो ये कर सकते हैं बट इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बेसिकली ज़्यादा होगी, बिकॉज पी की लेंथ कितनी भी हो सकती है, पी की लेंथ कितनी हो सकती है देखो, पी और सी दोनों की जो लेंथ हो सकती है वो 3×10⁴ हो सकती है, तो काफ़ी ज़्यादा है। मतलब इसको बार बार सॉर्ट करेंगे तो हमें पी साइज़ का लॉग इन तो हमारे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में ऐड हो ही जाएगा एंड पूरे को ट्रैवर्स कर ही रहे होंगे। सो हमें ट्राई करना है इसको हम ऑर्डर ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में सॉल्व करते हैं। तो एक तो सॉल्यूशन है, मतलब इंटरव्यूअर को बिल्कुल बता सकते हो डायरेक्टली, ऑप्टिमाइज पे कूदने की ज़रूरत नहीं है। सिमिलरली अगर तुम्हें सॉर्ट नहीं करना तुम काउंट कर सकते हो, बेसिकली क्या कर सकते हो, काउंट कर सकते हो। तुमने क्या किया, हर की फ्रीक्वेंसी काउंट कर लिया, बेसिकली ए बी सी जो हमारे लेटर्स हैं लोअर केस अल्फाबेट्स हैं 26 ही हैं, क्या है 26 ही हैं, 26 का एक वेक्टर बना लेंगे दोनों के लिए। इस वाली लेंथ के लिए हम बार बार जाके फ्रीक्वेंसी ऐड कर देंगे, फिर नेक्स्ट के लिए फ्रीक्वेंसी ऐड कर देंगे, फिर नेक्स्ट के लिए फ्रीक्वेंसी ऐड कर देंगे, नेक्स्ट के लिए फ्रीक्वेंसी ऐड कर देंगे एंड बाद में कंपेयर करते रहेंगे, ठीक है। तो इसी का थोड़ा सा ऑप्टिमाइज वर्जन इज आर मोस्ट ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हर इंडेक्स पे पी लेंथ ट्रैवर्स करेंगे, हर इंडेक्स पे पी लेंथ ट्रैवर्स करेंगे, हर इंडेक्स पे पी लेंथ ट्रैवर्स करेंगे, हर इंडेक्स पे पी लेंथ ट्रैवर्स करने के लिए तो जो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी वो क्या आ जाएगी, हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी एस इन टू पी, क्योंकि हम बार बार पी लेंथ पे ट्रैवर्स करते जा रहे हैं। बट वी कैन रिड्यूस इट टू ऑर्डर ऑफ एस, ऑर्डर ऑफ एस मतलब बेसिकली जो एस की लेंथ है, एस की लेंथ एस एल इन टू पी एल मतलब एन इन टू एम टाइप्स हो रहा है, तो हम इसको ऑर्डर ऑफ एन में ला सकते हैं, एम वाली चीज़ को हटा सकते हैं। कैसे, स्लाइडिंग विंडो यूज़ करके एंड उसके बाद हैश मैप यूज़ करके, क्या यूज़ करके, स्लाइडिंग विंडो एंड मैप, मैप मतलब ये वेक्टर यूज़ कर लेंगे ऑफ 26 साइज, ठीक है, 0 to 25 होगा जिसमें हम सारी फ्रीक्वेंसी स्टोर करेंगे, ए के लिए 0, बी के लिए 1, सी के लिए 2, ऐसे करते करते हैं इनकी फ्रीक्वेंसीज को ऐड करते रहेंगे। हम क्या करेंगे यार, जैसे फॉर इन दिस एग्जांपल हमारे पास है सी बी ए ई बी ए बी ए सी डी, हमने यहाँ से स्टार्ट किया इंडेक्स को, ठीक है, हमने फ्रीक्वेंसी मैप बना लिया, इसमें ए की 1 है, बी की 1 है, सी की 1 है, ठीक है। हमने दूसरा बना लिया एस के लिए, ठीक है, दूसरा बना लिया एस के लिए, यहाँ पर बस हमें ई तक ही है, ए बी सी डी ई, तो इतना ही बना लेते हैं, ज़्यादा बनाने की ज़रूरत नहीं है। हमने आए सी पे, सी पे फ्रीक्वेंसी 1 कर दी, फिर हमने चेक किया कि जो आई करंट आई की वैल्यू है क्या वो लेंथ से बड़ी हो गई है, लेंथ माइनस वन से बड़ी हो गई है, क्योंकि ये क्या है 0, 1, 2, ठीक है, तो क्या ये 2 से बड़ा है, अभी आई की वैल्यू 2 से बड़ी नहीं है, 2 से बड़ी नहीं है,
उसे बड़ी नहीं है तुम कुछ नहीं करेंगे ठीक है, नेक्स्ट वाले पे चले जाएंगे। आए यहाँ पे आया बी की फ्रीक्वेंसी हमने वन कर दी, फिर आए यहाँ पे आया सी की ए की फ्रीक्वेंसी हमने वन कर दी ठीक है। हमने यहाँ पे चेक किया ये ग्रेटर तो नहीं हुआ है, ग्रेटर तो नहीं हुआ है, बट अब हमारे पास ना तीन आ गए हैं, तो हम हर पॉइंट के बाद फ्रीक्वेंसीज मैच करेंगे। हमने फ्रीक्वेंसी मैच करी इन दोनों की, तो हमें पता चल गया ए बी सी की वन वन फ्रीक्वेंसी आ चुके हैं, इसमें वन वन है। तो हमने वो क्या बोला कि करंट जो तुम्हारा इंडेक्स है आए माइनस कर दो, उसमें पी प्लस वन कर दो, पी की लेंथ ठीक है। जो ये नंबर आएगा ये हमारा स्टार्टिंग इंडेक्स है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारा टू है, लेंथ माइनस थ्री प्लस वन दैट इज इक्वल टू जीरो, तो जीरो इज द स्टार्टिंग फॉर दिस एनाग्राम। कूल, इसको हम सेव कर लेंगे, इसको क्या कर लेंगे, हम सेव कर लेंगे। फिर नेक्स्ट आए हमारे आई की वैल्यू बढ़ गई थ्री पे, थ्री इज ग्रेटर देन टू, तो हम क्या करेंगे जो सबसे पहले था इससे, मतलब थ्री माइनस इसकी लेंथ, थ्री माइनस इसकी लेंथ विल बी जीरो, थ्री माइनस पी की लेंथ विल बी जीरो, तो जीरो वाले को डिक्रीमेंट कर दो और इसको इंक्रीमेंट कर दो। इसको हम हर बार इंक्रीमेंट कर ही रहे हैं। फिर नेक्स्ट में आएंगे, नेक्स्ट में हम देखेंगे कि हाँ फिर से लेंथ तो बड़ी है ही, तो फिर इसको हटा दो, इसको हटा देंगे तो बी को हमने कर दिया बी टू हो गया था बेसिकली यहाँ पे, और बी को हमने फिर यहाँ पे वन कर दिया ठीक है। तो ए ई बी आ गया, ए बी आ गया ठीक है। ऐसे करते करते हम सारे को इंक्रीमेंट करते रहेंगे, हमारे पास हर पॉइंट पे बस तीन की स्लाइडिंग विंडो होगी, फिर इसको हटा देंगे ये जब ये आएगा, फिर इसको हटा देंगे आएगा। और क्योंकि हर बार हम दो एरेज को कंपेयर कर रहे हैं जिनकी साइज फिक्स है, जिनका साइज 26 है, तो हम बेसिकली 26 इंटू एस की लेंथ हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी, एज दिस इज अ कॉन्सेप्ट, तो हम इसको ऑर्डर ऑफ एस एल कह सकते हैं। एस एल को अगर एन मान लिया तो ऑर्डर ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में हमारा ये काम हो गया, स्लाइडिंग विंडो विद मैप यूज़ करके। अच्छा मैं कोड दिखाता हूँ पहले तुम्हें, कुछ नहीं करेंगे पहले अपने दोनों के काउंट बना लेंगे, पी को इंक्रीमेंट कर देंगे, ये ए कैरेक्टर माइनस इसलिए किया बिकॉज डायरेक्टली जब हम ए की वैल्यू लेंगे तो एस का वैल्यू आएगी, सो हमने क्या करा इनिशियल अल्फाबेट ए की जो एस का वैल्यू है उससे माइनस कर दिया, तो हमें इंडेक्स मिल जाएगा हमारे मैप के लिए, वो हमने कर दिया। कूल, सिमिलरली फिर हमने इसकी लेंथ के लिए किया, इनिशियली जो भी आया उसको इंक्रीमेंट कर दिया, फिर चेक करा अगर ऐसा है तो हमने डिक्रीमेंट कर दिया ठीक है, स्टार्टिंग वाले डिक्रीमेंट कर दिया अपनी स्लाइडिंग विंडो को कांस्टेंट रखने के लिए। फिर इनिशियली एनाग्राम एक ट्रू वेरिएबल ले लिया, फिर हम कंपेयर करते जा रहे हैं, इसमें जहाँ पर भी हमारा कंपेरिजन ब्रेक होता है एनाग्राम को फॉल्स कर देंगे और ब्रेक कर देंगे, एंड फिर एंड में चेक कर लेंगे अगर ऐसा है तो हमने जो स्टार्टिंग इंडेक्स है उसको पुश कर देंगे, एंड में आंसर रिटर्न कर देंगे, एंड दैट्स डन। इतना ही है, हमने इसको सबमिट किया एंड हमारा आंसर हो गया, इसको मतलब प्रॉपर सबमिट कर देते हैं, एंड दिस इज कूल। खुद से करके देखना एक बारी, पेन एंड पेपर लेके, मतलब ड्राई रन करके खुद देखा करो, जब भी क्वेश्चन अच्छे समझ आएगा, डोंट जस्ट वॉच वीडियोस, वीडियोस देख के ट्यूटोरियल्स देख के नहीं होगा जब तक खुद से ट्राई नहीं करोगे ठीक है। सो डू ट्राई इट आउट योर सेल्फ एंड डू चेक आउट algoprep.in एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।